हाय गाइस, तो आज अपन फाइनली बात कर रहे हैं राजस्थान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी कि आरटीयू कोटा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि स्थित है कोटा के अंदर। कोटा इंडिया का फर्स्ट एजुकेशनल हब है कोटा। तो आरटीयू कोटा की बात करें तो आरटीयू कोटा जो है वो बहुत सारे कोर्स जो दे रहा है। आरटीयू कोटा लगभग 2006 से 2007 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसके सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आरटीयू कोटा जो है राजस्थान सेंट्रल सिटी ऑफ राजस्थान से ज़्यादा इसका प्लेसमेंट जाता है, ठीक है। तो एंड इट्स सिचुएटेड इन राउतबाटा कोटा राजस्थान, धोरा की धरती, ठीक है, केसरिया वाला के। तो देख लेते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस इस बार क्या सिस्टम है। तो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट बच्चे राजस्थान से ही लेते हैं और एडमिशन एंड लगभग जो है 20% आउट ऑफ राजस्थान से बच्चे आते हैं। तो राजस्थान के जो भी है एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह, तो उन्होंने इस बार जो है बच्चों को नंबर भर भर के दिए हैं, ठीक है, खूब नंबर दिए हैं बच्चों को। तो 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है इस बार। तो राजस्थान जो है इसकी जो कंडक्टेंसी है एग्जामिनेशन की, वो जिस प्रकार जेई मेन की जो है जोसा करवाती है, IIT की जो जोसा वगैरह करवाती है, NIT की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की CUET करवाती है, वैसे इसकी करवाती है REAP डीप के थ्रू इसका एडमिशन हो रहा है। तो ये इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि JEE Main का जो 5th जो सेशन है, 4th वाला सेशन जो कि अभी होने वाला है कंडक्ट सितंबर के अंदर, तो उसका जो है ये वेट कर रहे हैं कि इसका जब रिजल्ट आएगा तो ये रीप को स्टार्ट करेंगे। और JEE Main के बेसिस पे इस बार किया जा रहा है। 12th के बेसिस पे अगर आप वेट कर रहे हैं तो 12th के बेसिस पे नहीं होने वाला इसमें एडमिशन इस बार, क्योंकि जो है कट ऑफ को क्लियर कर पाना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और इससे 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं किया जा सकता क्योंकि एग्जाम्स नहीं हुए हैं और इन नंबरों का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता बिना एग्जाम्स के इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो है लेट किया जा रहा है सिस्टम को। वरना अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सेप्टेम्बर तक ऑलमोस्ट अक्टूबर तक सारे एडमिशन क्लियर हो गए थे आरटीयू कोटा या फिर रीट के जो भी एडमिशन थे। तो इस बार जो है अभी तक तो इसकी साइट को भी डोमेन को जो एक्सपायर हो चुका है तो परचेज नहीं किया है, तो भी रीप है। और रीप को जो है आरटीयू कोटा इसकी लीड यूनिवर्सिटी है, आरटीयू कोटा ही जो है रीप को पूरी जो है हैंडल करती है रीप को। तो इसके कुछ कोर्सेज वगैरह देख लेते हैं, ये कौन कौन से कोर्सेज परचेज प्रदान करती है। तो आप देख सकते हैं रीप ये आरटीयू कोटा बहुत सारे कोर्स देती है, जैसे लाइक एग्रीकल्चर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो कि राजस्थान के अंदर एक फर्स्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो एरोनॉटिकल देता है, ठीक है। और अगर आपको इस तरह के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि मिलिट्री बेस के अंदर स्थित है पटियाला पंजाब, वहाँ पे डायरेक्ट 12th के बेस पे मास्क पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और वो एयरफोर्स जो भी होता है वहाँ पे अवेलेबल है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमोबाइल है, सिविल है, केमिकल है, क्रेमिक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इस बार इसका भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो और भी बहुत सारे हैं, जिस लाइक ये MBA भी इसके अंदर ये बहुत ही अच्छा कोर्सेस है, देख सकते हैं आप पेट्रोकेमिकल, ठीक है। और ये टेक्सटाइल वगैरह तो नहीं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इसका जो है स्कोप है अभी, ठीक है। और ये जो है अभी आर्किटेक्टर है और ये बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, एंड आप देख सकते हैं मास्टर ऑफ MTech के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज दे रहा है ये। और भी यूनिवर्सिटी जो है इसका अच्छा पॉइंट ये है कि इंडिया के जो है रीप के अंदर इसकी पोजिशन आती है top 3, #3 के अंदर आती है इसकी रीप के अंदर पोजिशन, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आता है MBM जोधपुर, सेकंड नंबर पर जो आता है वो शायद ये या तो BTU है या फिर जयपुर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, और थर्ड नंबर पे आता है राजस्थान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। और अगर IIT के साथ इसको कंफर्म किया जाए या फिर MNIT, IIIT, कोटा, इन सब के साथ इसकी कंफर्मेशन की जाए तो इसका जो पोजिशन है वो 6th to 7th आ जाता है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये राजस्थान का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर रीप की बात की जाए तो रीप जो है इसकी जो साइट दे रखी है वो CEGRajasthan.org, आप जैसे इसे रीप पर जाएंगे तो ये डायरेक्ट ये बता देगा कि डोमेन जो है वो एक्सपायर हो चुका है और डोमेन को जल्दी परचेज कर ले। तो जस्ट अभी तक इसकी रीप की वेबसाइट वगैरह होस्ट नहीं की गई है, क्रिएट नहीं की गई है, आप जो लगभग जस्ट थोड़ा JEE का इंतजार कर लें। JEE के बेसिस पे ही होगा इस बार एडमिशन, ठीक है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा।
अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न हो या फिर आपको कुछ भी पता नहीं है रिगार्डिंग हाउ टू चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, क्या कुछ कैसे करते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ कर दी जाएगी जस्ट 2 से 3 डेयरी मिल्क के प्राइजेस के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। खूब पढ़िएगा, बहुत का मजा करिएगा।